आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था में बदलाव हो सकता है। दरअसल सरकार ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में नए सिरे से आरक्षण तय करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक पंचायती राज निदेशालय ने इस बारे में एक फॉर्मूला शासन को भेज दिया है। आरक्षण फॉर्मूले को मंजूरी मिलने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू किया जाएगा। अगर नई व्यवस्था लागू होती है तो जो सीटें किसी एक वर्ग के लिए आरक्षित थीं, इस बार वहां आरक्षण की स्थिति बदल भी सकती है। पंचायत चुनाव में बदलेगी आरक्षण व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नए सिरे से आरक्षण तय करने की तैयारी है। पंचायती राज निदेशालय ने शासन को फॉर्मूला भेज दिया है। नए सिरे से आरक्षण तय होने से बदल जाएगी आरक्षित सीटों की स्थिति। पंचायत चुनाव में कैसे बदलेगी आरक्षण की व्यवस्था, इस खबर पर और अधिक अपडेट लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता संकल्प दुबे से जुड़ गए हमारे साथ सीधे लाइव लखनऊ से। संकल्प, क्या अपडेट है? ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था बदलाव की बात निकलकर सामने आ रही है, क्या फॉर्मूला है इसको लेकर? देखिए, ये जो फॉर्मूला है वो शासन की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है और ये माना जा रहा है कि अगर ये फॉर्मूला लागू होता है तो जो आरक्षण की व्यवस्था है पंचायत चुनाव में उसमें बदलाव आ सकता है। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल रही है उसमें ये माना जा रहा है कि जो पूरा फॉर्मूला भेजा गया इस पर अभी मंथन किया जा रहा है और शासन की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद ही जो है इस पर क्रियान्वयन किया जाएगा। लेकिन कई ऐसे इस फॉर्मूले में जिक्र किया गया है चीज़ों का जिसमें कि बदलाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। कुछ जानकारियाँ जो सूत्रों के हवाले से मिल रही हैं उनके मुताबिक अगर माना जाए तो डीएम जो है वो जो है जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद पर जो आरक्षण संबंधी कार्रवाई है वो सुनिश्चित करेंगे। साथ ही ये माना जा रहा है कि जो चक्रानुक्रम के हिसाब से जो पहले व्यवस्था चल रही थी, जो अनुसूचित जाति और जो या पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षित पंचायत थी उनको इस बार वर्ग में जो उसके आरक्षण जो है वो इस बार नहीं उसमें लागू होगा। तो ऐसे में जो फॉर्मूला शासन को भेजा गया है बताया ये जा रहा है कि जल्द ही इसको लेकर के बैठक हो सकती है और इस पे अमल किया जा सकता है। हालांकि अभी ये जो फॉर्मूला भेजा गया है उसके विषय में अभी विभाग की तरफ से भी बहुत सी जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन जो ये फॉर्मूला भेजा गया इस पे मंथन की बात कही जा रही है। मंत्रालय के जो लोग हैं वो भी इस पे चर्चा करेंगे और माना जा रहा है कि जल्द ही बैठक के बाद में इस पे निर्णय लिया जा सकता है और अगर ये फॉर्मूला लागू होता है तो कहीं ना कहीं जो आरक्षण है उसमें बदलाव आएगा। उसको लेकर के अभी भी जो है शासन को फॉर्मूला जो भेजा है उस पे मंथन जारी है।